दोस्तों, अभी मैं पाजी के घर से आया हूँ और घर आते ही एक चीज़ और आ गई है मेरी, जो कि इसका मैंने ट्राइपॉड मंगाया था, जो कि अनबॉक्सिंग अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हो ये चीज़ है मेरे पास, तो इतना ये बड़ा हो जाता है। यहाँ पे पकड़ो, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सही है इसकी, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। मैंने अटैच कर लिया है इसके ट्राइपॉड के साथ और अब कितना अच्छा लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन मुझे ठीक लगी, बस इतनी अच्छी भी नहीं है बिल्ड क्वालिटी, लेकिन बस काम चलाने के लिए बढ़िया है। मतलब इतनी घटिया भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है कि बहुत अच्छी है, 50-50 है। आप आराम से कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं और शूट वगैरह बड़े आराम से कर सकते हो। देख सकते हो आप कितना आगे पहुंच गया है, मतलब मैंने अपने से कितना दूर कर दिया इसको, और इससे भी दूर करने के लिए मैं और दिखा देता हूँ, और दूर हो जाएगा, इतनी दूर तक ये चला गया। तो मेरे को इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था कि मुझे इसी टाइप का कुछ चाहिए था, तो मेरे को अच्छा लगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया लगी। और ये मेरे को पड़ा है 5, 1 मिनट बिल में दिखा देता हूँ मैं आपको, 589, मतलब एक तरीके से आप मान के चलो 600 रुपये का पूरा पूरा मान के चलो, राउंड फिगर में 600 रुपये का पूरा पूरा पड़ गया मेरे को। अभी अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, मैंने सोचा शाम हो गई है तो क्यों ना आपको एक बार शाम का भी बता दिया जाए कि ये कैमरा कैसा काम करता है नाइट के अंदर और शाम के अंदर। तो अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है क्लैरिटी देख के, नीचे से ऊपर आया हूँ ना, तो बढ़िया काम कर रहा है फिलहाल। अभी ये 1080 नॉर्मल मोड पे था तो मैंने इसको HDR मोड पे डाल दिया, तो आप देख सकते हो कि ये शाम हो चुकी है और मैं दिखा दूँ आपको, सूरज ढल चुका है, कहीं पे भी सूरज चंदा मामा जून नज़र आ रहे होंगे आपको, तो देख ही सकते हो कितनी अच्छी क्लैरिटी आ रही है, उससे पहले से भी अच्छी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, पहले से भी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आ रही है। तो फिर HDR मोड इसके लिए नाइट के लिए बहुत अच्छा है कि नाइट में हम वीडियो शूट कर सकते हैं, और पहले अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, अब साफ सुथरा सा चेहरा नज़र आ रहा है मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत ब्लॉग बना ही लिया जाए, चाहे 2 मिनट का बने चाहे 3 मिनट का बने, ब्लॉग बनना ज़रूरी है और अपलोड होना ज़रूरी है। मैं अपने उसी ट्राइपॉड के साथ शूट कर रहा हूँ, उसी में अटैच करके, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को। और अभी दरअसल मैं पाजी को फ़ोन मिलाने वाला हूँ, और पाजी को फ़ोन मिला के पूछने वाला हूँ कि पाजी ज़रा बताओ वीडियो का क्या हुआ, कब तक आएगी ऑस्मो एक्शन कैमरे की अनबॉक्सिंग, जो बढ़िया बढ़िया सिनेमैटिक्स लिए थे हमने उनके स्टूडियो पे। पिछला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो हमने उनके घर पे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी इसकी अनबॉक्सिंग के लिए, और हमारे तोते उड़ गए थे सेटिंग करते करते। मेरे ख्याल से पाजी अभी बहुत बिजी हैं तो इस चक्कर में शायद फ़ोन नहीं उठा रहे, शूट वगैरह कर रहे होंगे, तो होपफुली एडिटिंग तो हो गई होगी। वैसे बहुत तेज छिपकली गई है, पता नहीं क्या गई, क्या ऐसी चीज़ गई थी, एकदम जुप हो गई, एकदम से गई थी, तो वो हो सकता है शूट में बिजी हो तो इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहे। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने ऐसी बना ली, वैसे मैं बहुत पूरे दिन सो गया था आज, पता नहीं इतनी मतलब इतनी गहरी नींद आई कि मैं सुबह किसी काम से गया था और उस काम को निपटाते निपटाते 2 बज गए, 2:30 बज गए, तो फिर मैं घर आया, तो घर पे आने के बाद मेरे को इतनी तेज़ नींद आई कि मैं कम से कम नहीं तो 4-5 घंटे सोया। तो धीरे धीरे अभी रेगुलर व्लॉग शूट होने की कोशिश रहेगी कि रेगुलर व्लॉग शूट होता रहे, चाहे 2 मिनट का हो चाहे 3 मिनट का हो, लेकिन व्लॉग शूट होना ज़रूरी है। और देखो क्या होता है क्या नहीं होता, वैसे इस तरफ रोशनी बहुत अच्छी आ रही है, तो इसका नाइट मोड भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। वैसे बस पीछे से बैकग्राउंड मेरे को दिख रहा है स्क्रीन के अंदर भी, इस वक्त फ्रंट स्क्रीन ऑन हुई हुई है तो नज़र आ रहा है मेरे को कि आसपास
पूरी वीडियो में मतलब डॉट 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 नज़र आ रहे हैं। बाकी देखो, और समझ में नहीं आ रहा यार, सौरभ जोशी व्लॉग्स, आप लोग को सबको पता ही होगा सौरभ जोशी व्लॉग, भाई साहब बंदे ने धमाल मचा रखा है, मतलब टीवी एक्टरों से मिल रहा है और हर बंदा पागल है उसके चक्कर में, हर बंदा पागल है उससे मिलने के लिए, और भाई अपना स्ट्रगल ही ख़त्म नहीं हो रहा लाइफ के अंदर। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी तो अपनी भी किस्मत ऐसा ही ब्लॉक था। कल होपफुली कोशिश करूँगा सुबह 5 बजे उठने की, क्योंकि सुबह उठ के आपका भाई मेहनत करने वाला है, तो सुबह उठ के मेहनत करेगा आपका भाई और फिट रहने की कोशिश करेगा। चलो ठीक है, आपका काम सिर्फ ये रहना चाहिए कि प्लीज़ अपने भाई को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो मेरे व्लॉग चैनल को द एम के व्लॉग्स, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो मेरे को, किस नाम से आईडी है यार, mayank.mk.verma के नाम से आईडी है, ठीक है, तो मुझे फॉलो कर लेना। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा ही रहेगा, इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देना जाते ही, ठोको क्लिक ठोको, ठीक है। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय। एक चीज़ और कहना भूल गया मैं, कि कुछ स्लो मोशन मैंने, एक आसपास पार्क था मेरे घर के आसपास तो वहाँ गया था, तो कुछ स्लो मोशन मैंने इसी कैमरे के शूट करें कि इसका स्लोमो कैसा है, तो वो ज़रूर देख लेना।